सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीटेक यूजर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मेरा पहला लैपटॉप एसस वीवो बुक। तो चलिए पहले से देखते हैं कैसा है। तो बेसिक सिंपल सा बॉक्स है जिसमें एक हैंडल भी है और काफ़ी स्टडी हैंडल है। तो चलिए मैं आपको अब डिब्बे पर दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो चलिए, तो सबसे आगे गाइस एसस वीवो बुक लिखा है और एसस का लोगो और एक डिज़ाइन दिया है जो वी शेप में, और साइड में स्पेसिफिकेशंस, पैक में कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो गाइज ये बेसिक स्पेसिफिकेशन और प्राइस दिया है। तो प्राइस बॉक्स पर 52,000 लिखा है और मुझे 40 के अराउंड मिल चुका है, तो काफ़ी सस्ता मिला। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा बॉक्स है और यहाँ पे हमारा लैपटॉप, तो मैं इसे भी साइड में रखता हूँ। मैंने ग्रे कलर मंगाया और एसस वीवो बुक 14 है, तो ये 14 इंचज़ का है, पर स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है। तो यहाँ इसके चार्जिंग केबल और डॉक है, पावर डॉक और जो केबल मिलती है साथ में। तो केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी लंबी भी है और इसका डॉक भी। तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो काफ़ी तेज़ चार्जिंग हो जाती है गाइस। और मैंने इसे लगा कर देखा तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, चार्जिंग भी अच्छी है। तो अब चलिए हम लोग अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं, पहले से रख देते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको, मतलब अमेजोन की लिंक, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड मतलब खरीद सकते हैं सेम लैपटॉप। तो गाइज ये इंटेल की जगह मैंने एसुस, सॉरी, राइजन का लिया है, AMD 5, Ryzen 5। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी मेटालिक मतलब ग्रे है, मेटालिक ग्रे में। इसके तीन कलर आते हैं, एक सिल्वर आता है और एक पीकॉक ब्लू आता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे बूट अप कर लेता हूँ। मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है, तो फिर बूट अप हो चुका है और ये बस मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी फास्ट है गाइस, क्योंकि इसमें पहले तो राइजन लगा है, Ryzen 5 प्रोसेसर, उसके साथ साथ गाइस इसमें SSD है, SSD 500 वाली, काफ़ी फास्ट कर देती है इसे। और Vega 8 है तो आप देख सकते हैं बूटिंग टाइम काफ़ी फास्ट है इसका। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, और गाइस एरर हो गई पासवर्ड, मैं फिर से डाल देता हूँ एक बार। तो ये काफ़ी सुंदर लैपटॉप है और काफ़ी काम कॉम्पैक्ट भी है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और डेवलपर और आपको यूट्यूब के लिए मतलब चाहिए, थोड़ा आपको पढ़ाई भी साथ में करना है, तो आप ले सकते हैं इसे। हैवी गेम्स के लिए, पर इसमें गेम्स चल जाते हैं अच्छे से, क्योंकि Vega 8 है राइजन प्रोसेसर के साथ, तो गेम्स तो काफ़ी सही चलते हैं। और अगर बात करें गाइस इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे पहले साइड में आपको एक USB 3.1 और SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, और एक लॉक भी है और बैटरी इंडिकेटर भी। और अगर दूसरे साइड की बात करें गाइस, तो आपको उस साइड मिल जाएगा 2 USB पोर्ट, एक ऑडियो जैक, और आपको उसके साथ मिलेगा एक HDMI। और गाइज उसके साथ ही आपको स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसमें फिंगरप्रिंट दिया है और बहुत सारे अदर अदर स्पेसिफिकेशंस हैं। तो गाइज इसमें फिंगरप्रिंट भी है, तो ये काफ़ी अच्छा है, पूरी बॉडी मेटालिक है। और इसमें ऑन स्क्रीन लाइट्स है, मतलब बैक लाइट कीबोर्ड्स, वो भी काफ़ी अच्छा है मुझे लगा। और इसका वेबकैम भी गाइज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना गाइज, और कमेंट करना अगर आपको कैसी वीडियो लगी। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।